नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। राजीव गांधी फाउंडेशन अभी 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में, टाइम्स नाउ ने उसके ऊपर कुछ खोदना शुरू किया और उन्होंने जितना खोद कर निकाला उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने, जब ऑप इंडिया ने इस पर खोजने की कोशिश की, नुपुर शर्मा ने इस पर, जो हमारी इंग्लिश के एडिटर हैं उन्होंने इस पर डिगिंग की, फिर कल्प ज्योति हैं हमारे इंग्लिश के एक एडिटर हैं, उन्होंने जब खोजना शुरू किया तो काफ़ी कुछ सामने आया जिसे हम इस वीडियो में काफ़ी वृहद चर्चा करेंगे और 3 हिस्सों में इस वीडियो को मैं बांटने जा रहा हूं। पहला हिस्सा होगा कैसे कांग्रेस चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बहुत ही एक गुपचुप तरीके का इन्होंने MOU जो साइन किया था और कैसे 2007 में ये बीजिंग गए थे, 2008 में बीजिंग गए थे और कैसे उसका लाभ इन्होंने चीन को देने की कोशिश की थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे किस तरह से नीली पगड़ी वाले जो महान और साधु की छवि जिनकी बनी हुई है मनमोहन सिंह जी की, वो किस तरह से कांग्रेस के हर पाप का भागीदार रहा और ये 1991 से जब वो पहली बार वित्त मंत्री बने थे भारत के, तब से वो जो है लगातार कांग्रेस को सैकड़ों करोड़ों रुपये सरकार के फंड से सेंक्शन कर चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा हिस्सा जो होगा वो ये होगा कि विदेशी कंपनियों से और विदेशी सरकारों से, जिसमें चाइना पे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आयरलैंड, लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट, उसके यूरोपियन यूनियन के साथ कांग्रेस पार्टी ने, या राजीव गांधी फाउंडेशन जो है मिनी कांग्रेस पार्टी एक तरह से है, उसने कैसे कैसे करार किए हैं और क्यों किए हैं, क्लिंटन फाउंडेशन से संबंध है, फोर्ड फाउंडेशन से संबंध है, ये सारे फाउंडेशन जो है वो भारत विरोधी शक्तियाँ रही हैं, भारत विखंडन की शक्तियाँ रही हैं, इन सब पे, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स आखिर क्यों डोनेट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े लार्ज सम्स ऑफ मनी कांग्रेस को, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चीन से। चीन के बारे में आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में सुना ही होगा कि कांग्रेस एज ए पार्टी ने 2008 में, भारतीय सरकार ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी CCP जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो उनके साथ करार किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, और उसमें करार क्या हुआ था कि हम हाई लेवल सूचनाओं का, महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। अब आप सोचिए, एक मिनट के लिए रुक के सोचिए कि जब गवर्नमेंट के बेसिस पे इस तरह के करार होते हैं तो समझ में आता है कि वो सारा आउट इन द ओपन है कि क्या क्या मोडालिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें बिंदु हैं। लेकिन जब एक पार्टी करती है, आखिर एक पार्टी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार करने का मतलब रीज़न क्या है उसका? रीज़न हमें बाद में पता चलता है, 2007 में सोनिया गांधी एक बार बीजिंग जाती है, 2008 में ये करार होता है और करार जो है राहुल गांधी ने साइन किया था घंटों चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स के साथ, घंटों इस पे चर्चा चली थी सोनिया गांधी की और साइन किया था राहुल गांधी ने, और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पे दूसरे सिग्नेटरी जो है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का ये गुपचुप कांड चला होगा। और उसके बाद अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं कि मानसरोवर यात्रा पे जब राहुल गए थे तब भी ये चीनी अधिकारियों से मिले हैं, डोकलाम जब गए हैं तब भी मिले हैं, और इसके अलावा भी कई सूत्र हमें बताते हैं कि इसके अलावा भी ये बार बार चाइनीज़ एम्बेसी जो दिल्ली में है वहाँ ये जाते रहे हैं और उसकी कोई जानकारी भारत सरकार को नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल और ख़ास करके किसी पार्टी से वो बिलोंग करता है तो वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय को या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय को ब्रीफ देता है कि हम यहाँ गए थे, इन लोगों से मिले थे और इन बातों पे चर्चा हुई थी। आपसे पूरी बातचीत का ब्यौरा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपसे मांगा जाएगा आप गए क्यों थे, क्या पर्पस था, नॉर्मल जो जिन बिंदुओं पे आपने चर्चा की। 2008 में बीजिंग सोनिया गांधी गई थी, रॉबर्ट वाड्रा गए थे, प्रियंका गांधी गई थी, राहुल गांधी गए थे, ये गए थे ओलंपिक्स को देखने। जाहिर है कि कबड्डी कोटा से स्टीफेंस में और शूटिंग कोटा से जाने वाले राहुल गांधी स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी जो है मतलब उनका इंटरेस्ट रहा, तो हो सकता है सोनिया का भी इसमें जो है इंटरेस्ट जग गया हो। और अब दूसरी बात आती है कि ऐसा तो है नहीं कि सोनिया गांधी तो को हमने तो नहीं देखा है कि वो कभी जो है किसी स्पोर्ट्स इवेंट में इतनी दिलचस्पी ले रही हो। और वो मुझे लगता है और बाकी लोगों को लगता है कि ये एक फसाद था कि आगे में हमने बना दिया कि हम जो है ओलंपिक देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में वहाँ पर किस तरह की मीटिंग्स हुई, चीन बताता नहीं है इन मीटिंग्स के बारे में और ये लोग तो और भी नहीं बताते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद मानसरोवर डोकलाम की मैंने बात आपको रिसेंट जो हुआ है वो तो बताई, डोकलाम के बारे में, डोकलाम जब चल रहा था उस वक्त
चीनी राजनयिकों से, ये डिप्लोमैट से मिले हैं राहुल गांधी, और इन्होंने बताया तक नहीं। जब आउट इन द ओपन बात आ गई, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, पहले तो डिनाई कर दिया कि वो मिले ही नहीं, लेकिन जब जब तस्वीरें सामने आने लगी तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये लोग मिले। अब देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन को, जिसके बारे में हम चर्चा एक मिनट में शुरू करेंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या, उसको चाइनीज एम्बेसी ने एक बार 10 लाख और चाइनीज गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 90 लाख रुपये दिए। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो है 2005-06 में जो है इनका अपना ये आप राजीव गांधी फाउंडेशन के बैलेंस शीट जो उनके उनके साइट पर पड़ी हुई है उससे आप जो एनुअल रिपोर्ट होता है उससे आप निकाल के देख सकते हैं। 2005-06 में 10 लाख, 2006-07 में 90 लाख और उसके बाद क्या होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या ये भी बता देता हूँ। फाउंडेशन जैसे कोई भी एनजीओ होता है, ट्रस्ट होता है, उसी तरह का है। इसमें मेन जो बात ध्यान देने योग्य है और ये आप थ्रू आउट याद रखिएगा, इसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, बोर्ड मेंबर जो जो है उसके भी नाम जान लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम। मनमोहन सिंह का नाम आप खास करके याद रखिएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से जो है पैसा रीराउट करके राजीव गांधी फाउंडेशन को आगे दिया गया है। खैर, ये तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो एक तरह से मिनी कांग्रेस है, जो कोर मेंबर्स कांग्रेस के हैं उन्हीं को, मतलब फैमिली, नकली गांधी फैमिली है और उसके 2-3 जो मुख्य, मतलब इनके जो मेन आप एक कॉन्फिडेंट्स जो बोलते हैं, विश्वस्त जो लोग हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। और मनमोहन को तो ये 1991 से पागल बना रहे हैं, या हो सकता है कि उसका पाप का भागीदार हो, इतना ज्ञानी आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि अनभिज्ञ होगा और इसको पता ही नहीं होगा। तो 2008 तक जब इनको पैसे मिल जाते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन एक तरफ स्टडी जो है कंडक्ट करवा रही होती है, सेमिनार्स आयोजित हो रहे होते हैं कि क्या हम चीन को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब करने दें। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है कि उसमें जो है ड्यूटी जो लगती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी एक दूसरे के सामान पर जो लगता है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। अब आप जान लीजिए कि चीन और भारत का व्यापार जो है लगभग $73 बिलियन का, उसमें भी $53 बिलियन या $50 बिलियन जो है चाइना से आता है। अब आप सोचिए कि इतना बिलियन डॉलर्स का आता है तो अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ड्यूटी टैक्स लग रहा होगा, जो कमाई उससे होती है भारत की, आप उस कमाई को भी वेव ऑफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब व्यापार अनइवन होता है कि आप बहुत कम भेज रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो इसमें हमेशा आप घाटे में रहेंगे क्योंकि आप छोटी अर्थव्यवस्था है उससे। तो यहाँ पे ये लोग लगातार पुश कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए, और राजीव गांधी फाउंडेशन इस हद तक चला गया और इनके मंत्री जो है इस हद तक चले गए, उन्होंने पुश करना शुरू किया ये एजेंडा। ये मैं 2008-09 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, जबकि होता है इसके उलट, बेनिफिट नहीं होता है। इसी तरह एक 16 देशों की संस्था थी आसियान और कुछ कंट्रीज को मिला के, कि उनके बीच एक ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही थी, और उस ट्रेड अग्रीमेंट का फाइनल डेट जो मतलब एक अग्रीमेंट पर पहुँचने का 2016 था। ये जो है RECP करके एक संस्था है, तो उसमें 16 देशों का समूह है, उसमें भी चाइना को लेके एक प्रो चाइनीज लॉबी थी और एक प्रो इंडिया लॉबी थी। चाइना जो है अपने टर्म्स जो है उसमें पुश करना चाह रहा था, और 2010 में इंडिया इसमें मतलब आती है, और 2011 में आनंद शर्मा जो है वो साइन कर देते, जो यूनियन मिनिस्टर थे कांग्रेस, इसी डील को बाद में पीयूष गोयल जो है उन्होंने इस पर रोक लगाई, और फाइनल अभी तक मतलब लगातार साल भर पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी इंडिया ने सीधा ठुकरा दिया कि नहीं, हमें चाइनीज टर्म्स जो है हमें मंजूर नहीं है और हम इसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो आप देखिए कि 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र, और उसका फल कांग्रेस पार्टी मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ रुपया देने से, और पता नहीं बाकी किस तरह के एग्रीमेंट्स इनके हुए हैं, और उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की बातें हो रही है, कि ड्यूटीज़ वेव ऑफ कर दो, टैक्स हटा दो, इस तरह की बातें हो रही हैं। आप सोचिए कि भारत इसमें क्या गेन कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें कुछ भी गेन कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपया देके इन्होंने एक तरह से जो है मतलब भारत की सरकार ही खरीद ली थी। चाइना का और क्या पर्पस है? चाइना को और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, चाइना को हर देश में अपना अपना सामान डंप करना है, वहाँ से ट्रेड अग्रीमेंट्स करने हैं, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब जो दुनिया का बन चुका है, तो इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है तो जाएगा कहाँ?
यहाँ पर सिस्टमैटिकली एक सरकार ने कभी भी भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और इस फिराक में थे कि बने बनाए सामान जो बहुत चीप होते हैं चाइना से आए और यहाँ पे डंपिंग हो जाए और यहाँ का रोजगार पूरी तरह से मर जाए। और क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपया उनको मिल रहा है। मतलब ये ठीक है, 1 करोड़ तो मैं मान रहा हूँ कि इतने कम में नहीं बिके होंगे, अगर इसे बिकना कह सकते हैं, तो हो सकता है कि और भी बैकडोर में कुछ और हो रहा है जिन अकाउंट्स के बारे में हमें पता नहीं, कि ऑफशोर अकाउंट्स हो या जो भी हो, और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता क्योंकि 1 करोड़ थोड़ा कम अमाउंट लग रहा है। उसको लेके पूरा का पूरा ट्रेड जो है उनके हवाले कर देना और अपने इंडस्ट्रीज को, मतलब आप जाके पता कीजिए अमेठी में कितनी इंडस्ट्री थी और राहुल गांधी के समय में कितने रिवाइव हुए। अब जो है स्मृति ईरानी ने अमेठी की इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना शुरू किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहाँ पैसे लगाने शुरू किए और वहाँ पे आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का, राइफल्स वहाँ पे बनेंगी, उसके लिए उद्योग जो है शुरू किया है। तो इन्होंने अपने ही देश के इंडस्ट्रीज को किल करने की योजना बनाई थी, इसीलिए शायद जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो इन्हें ये चुटकुला लगता है। मेक इन इंडिया के बारे में बोलते हैं, एक बड़ा सा है कुछ उसमें घूमता रहता है, इस तरह की बात करके मॉक करना चाह रहे हैं। जब तुम्हारा पर्पस ही पैसे लेके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना हो चीन के साथ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मेक इन इंडिया जैसी कोई भी बात हो कि भारत के इंडस्ट्रीज को फायदा हो, भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को फायदा हो, जो मान लीजिए बटन बना रहा है, अगरबत्ती बना रहा है, लाइटर बना रहा है सिगरेट का, आपको जान के हैरानी होगी कि लाइटर जो 10 रुपया में आप देखते हैं तमाम दुकानों पर, सारे मेड इन चाइना है। मतलब 10 रुपये का लाइटर तक इंडिया नहीं बना पाता है। हमारे एक मित्र हैं, वो लिथियम आयन बैटरी जो होता है, वो आप इतना ई रिक्शा देखते हैं ना, भारत में उसका बैटरी तक नहीं बन पाता है। हम उस स्थिति में हैं और ये किसने किया है? आप जब भी देखेंगे कि भाजपा की सरकार आती है तो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के चक्कर में होती है, और वही कांग्रेस सरकार आएगी तो वो सारी योजनाएं जो है ठप हो जाती हैं। इन सब को आप इस आस्पेक्ट में, इस संदर्भ में देखिए कि कैसे 1 करोड़ जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में आता है और ये लोग MOU जो है साइन करते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और अपना जमीर एक तरह से अपनी आत्मा जो है लूसीफर जैसे शैतानों को बेच देते हैं ताकि ये तमाम उम्र जो है मतलब बोटियां नोचते रहें, बोटियां खाते रहें। अब हम बात करेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से की मनमोहन सिंह के बारे में। नीली पगड़ी वाला इंसान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है और जो बोलता है पैसे पैरों पे तो नहीं उगते, इस तरह की बातें करता है और उसे जो है बड़ा ज्ञानी और सुधिजन माना जाता है, बड़ा मतलब साधु की छवि उसकी बनी हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अपने बारे में कहता है, मतलब तमाम स्कैम्स निकले, लाखों करोड़ के स्कैंडल्स निकले हैं, स्कैंडल नहीं स्कैम कहते हैं, घोटाले निकले, उस ट्यून के घोटाले इस देश की राजनीति में और इस देश के जो 70 साल का हमारा छोटा सा इतिहास रहा है उसमें कभी हुआ नहीं हो, मतलब किस किस चीज में इनकी सरकार में घोटाले नहीं हुए। और वो आदमी कहता है कि हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी, इतिहास मुझ पर दया करेगा, करुणा भाव दिखाएगा और मेरे बारे में अच्छी बातें लिखेगा। नहीं मनमोहन सिंह, तुम कांग्रेस के सबसे बड़े पापी और धूर्त इंसानों में से एक हो, और वो प्रूव हो जाता है जब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एक बोर्ड मेंबर होने के नाते और किस तरह से 1991 से राजीव गांधी की डेथ होती है, उसके बाद जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और फाइनेंस मिनिस्टर जब बनते हैं तो ये अपने पहले बजट में, आप सोचिए कि संसद में एक आदमी ये बोल रहा हो कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने हमें एक पत्र लिखा है कि वो ये करना चाहते हैं, इस कारण जो हम उन्हें 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 1991 में 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप सोचिए उस टाइम का 100 करोड़ का अभी का क्या वैल्यू रहा होगा। और ये एलोकेट करने की बात होती है और कहते हैं कि हम एक बार नहीं देंगे, हम 5 साल में देंगे। साथ ही 250 करोड़ रुपये का एलोकेशन अलग रखा जाता है मनमोहन सिंह के द्वारा। इसी पे एक सांसद उठता है और बोलता है कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं, क्या आप कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक नकली गांधी, मतलब उन्होंने नकली गांधी परिवार नहीं बोला था बट वही है कि क्या आप एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी बातावाती हुई और तब जाके करते करते जो है मनमोहन सिंह वो नहीं कर पाए। अगर सांसदों का इस पे विरोध नहीं होता और जिस मुखरता के साथ सवाल पूछे गए थे तो उस टाइम से आप सोच लीजिए एक सरकारी पैसा जो है वहाँ पे, और लेकिन मनमोहन सिंह जो सोनिया गांधी के चलाए जाने पे चलते रहे हैं और जिन्हें जो है लिबरलाइजेशन का और इस तरह से पूरा
हीरो माना जाता है, जबकि लिबरलाइजेशन के हीरो अगर कोई एक व्यक्ति को अगर श्रेय दिया जाना चाहिए तो पीवी नरसिंह राव थे, जिन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जिन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी थी। लेकिन वही है कि जहां रहा हो कि नेहरू जैसे घोटालेबाज, घोटाले उनके टाइम से हैं, जीप घोटाला और पता नहीं तमाम तरह के घोटाले, और भी अलग अलग विशेषण उसमें जुड़ते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि आजकल FIR का मौसम चल रहा है। खैर, तो नेहरू जैसे लोग जो मतलब जितनी चीज़ें बन रही हैं उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि नेहरू ने ही दिया है, गांधी परिवार ने ही दिया है, जबकि उसने अपने पॉकेट से नहीं दिए थे, इसी भारत के एक्सचेकर का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा था और उसके बाद बने। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये है कि जिस तरह से बाकी सारे बड़े नेताओं को नेहरू की छवि इतनी विशाल बना दी गई, किताबों में चाचा नेहरू बना दिया गया, गुब्बारे ले लो का के बच्चे जानते हो वो कौन थे, वो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिन्होंने गुब्बारे वाले से सारे गुब्बारे जो खरीद लिए, इस तरह के मतलब इमोशनल भावुकता भरी कहानियां जो है बच्चों को पढ़ाई जाने लगी, और एक एक लार्जर देन लाइफ नेहरू का आइकॉनिफिकेशन जो है कांग्रेस ने शुरू कर दिया था, और उसकी आर में बाकी जितने इम्पॉर्टेंट लीडर थे, आप पटेल हो गए, आप अंबेडकर हो गए, इन तरह के कद्दावर और बेहतरीन नेताओं, इनसे कहीं बेहतर और अपने समय के बेहतरीन, उन सबको दबा दिया गया। तो उसी तरह पीवी नरसिंह राव जैसे मतलब महान प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह जैसे एक लाचार कठपुतली रोबोट भी उनको कई बार बोला जाता है, लेकिन रोबोट में अपना दिमाग होता है, मुझे नहीं लगता है ये कठपुतली आदमी है, तो इसको इतना ग्लोरीफाई किया गया और पूरा एकदम मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति फलाना। अरे, तुम्हारी आर्थिक नीति इतनी अच्छी थी 2008 में, तुमने ये किस तरह की नीति लाई थी कि तुमने लोगों को पैसे इतने बांट दिए कि उसके प्रभाव से 2016-17 तक जाके इन्फ्लेशन और उसको कंट्रोल करने में लग गए, अर्थव्यवस्था जो है ड्विंडल करने लगी। काहे के तुम अर्थशास्त्री हो भाई, जब इतनी समझ नहीं है कि लोगों को पैसा देने की जगह जो एक्चुअल में क्रिएटर्स हैं, वेल्थ मल्टीप्लायर्स हैं, मनी मल्टीप्लायर्स हैं, उसको अगर पैसा देते तो शायद हो सकता है कि उस वक्त हमारी इकोनॉमी थोड़ी और धक्का खाती, लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत जैसे की जरूरत नहीं पड़ती, अभी हमें PPE किट बनाने में इतनी देरी नहीं लगती, इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास देश में इतनी इंडस्ट्रीज होती कि वो तुरंत अपने फंड से लोकेट कर सकती थी, या सरकार से अगर कुछ और थोड़ा स्टिमुलस मिलता तो और कुछ बनाने लगते, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ता। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया, तुमने चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि 2009 में चुनाव थे, तुमने पैसा जो है पंप करना शुरू कर दिया और लोगों के हाथ में लोन सस्ता कर दिए, और उसके प्रभाव से अभी तक मतलब भारत को 7-8 साल लगे उसे उभरने के लिए। तो काहे के तुम, तो वही मुझे तो अनंत सिंह याद आते हैं कि वही के प्रधान, मतलब तुम हो अर्थशास्त्री, वो नीला पगड़ी लगा के और हार्वर्ड के चिदंबरम हो गए, तुमने कुछ नहीं दिया, तुम लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था का दोहन किया है, बर्बादी की है, और हर उस फाइल पे जिसमें घोटाले निकले तुम्हारे सिग्नेचर हैं, तुम ये कह के नहीं बच सकते कि नहीं वो तो IAS ऑफिसर करते हैं, हमें तो पता नहीं। जब तुम्हें पता नहीं तो फिर काहे का क्रेडिट लेते हो कि तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के और हार्वर्ड से पढ़ के आए हो। अब देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन पे वापस आते हैं, उसमें जो है मनमोहन सिंह एक की फैक्टर थे, और मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और एक और चीज़ होती है कि इनका जब प्रधानमंत्री का टेन्योर जो है उसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो है, जो एक तरह से सुपर PM, जिसमें उसी के डॉक्यूमेंट में लीक हुआ है कि सोनिया गांधी वाज सुपर PM, तो सुपर PM जो संचालन कर रही थी उसका, किस तरह से इन्होंने PMNRF प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, इसमें पैसा कौन देता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष कौन पैसा देता है, इसमें टैक्स का पैसा नहीं जाता है, इसमें हमारे आपके जैसे आदमी भावुक होकर जब कहीं केरल में मान लीजिए बाढ़ आती है, मिथिला क्षेत्र में बाढ़ आती है, कोसी में बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप मान लीजिए भुज में आ गया गुजरात में, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ जाती है, किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी होता है, तो उस वक्त हम और आप 100 रुपये, 200 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, इस तरह के डोनेशंस देते हैं। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में पहले जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो उसमें कांग्रेस की चीफ जो है, कांग्रेस का चीफ जो भी होगा वो बोर्ड मेंबर या ट्रस्टी होता था, ठीक है। उसके बाद जो है
प्राइम मिनिस्टर को एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को खर्च करने का, मतलब वो अपने विशेज एंड विम्स एंड फैंसीज पे, अपने डिज़ायर पे वो फंड किसी को भी दे सकता है। और तब क्या होता है, आप जान लीजिए कि 2005-06 में, 2006-07 में, 2007-08 में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का पैसा तीन बार सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में रिलीज किया गया, राउट किया गया। क्यों भाई, आप सोचिए कि मतलब जनता का पैसा प्राइम मिनिस्टर सैंक्शन करता है राजीव गांधी फाउंडेशन को, और कितना करता है ये भी नहीं बताया, हमें नहीं पता है। मतलब और डिग करेंगे, शायद आरटीआई फाइल करना पड़े, पीएमएनआरएफ अगर आता है आरटीआई के दायरे में तब पता चलेगा। फिलहाल यही पता है कि फंड को डिस्क्लोज भी नहीं किया गया कि कितना पैसा दे दिया गया। और शायद यही कारण है कि अभी जब पीएम केयर्स की स्थापना हुई, यहाँ पे एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत लोग पीएम केयर्स के ऊपर उंगली उठा रहे थे, और यहाँ पे सोनिया गांधी जो आके बोली थी कि नहीं, ये पीएमएनआरएफ जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। सही बात है, ट्रांसपेरेंट तो आपके लिए था ही कि आप शायद एक फ़ोन करती होंगी और वो रीराउट होकर पैसा जो है राजीव गांधी फाउंडेशन पहुँच जाता। सुपर पीएम ने रोबोट पीएम को, कठपुतली पीएम को बोला कि पीएमएनआरएफ का पैसा जो है 2005-06 में, 6-07 में और 7-08 में ट्रांसफ़र कर दीजिए कुछ, और वो राउट होके चला जाता है किसके पास, वहाँ पे भी सोनिया गांधी के ही पास जाता है क्योंकि वही अध्यक्षा है। अब आप कहें कि नहीं, एनजीओ है, एनजीओ को तो दे ही सकता है। अब बात है कि कितने एनजीओ जो है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हेडेड होते हैं इस तरह से, जिसमें पार्टी के घर के लोग, मतलब सोनिया गांधी के घर के लोग और दो कॉन्फिडेंट जो होते हैं वही लोग होते हैं। ज्यों ही ये होता है तब फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती कि आप ही सरकार को भी चला रहे हैं, आपके पास सरकार के मतलब जनता के टैक्स का पैसा भी है, और जनता द्वारा आपदा राहत कोष के लिए जो पैसा दिया गया जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, शायद होती तो शायद बताते कितना पैसा दिया गया, वो पैसा जो है आप ही के पास दोबारा घूम के आ रहा है आप ही के रोबोट द्वारा सेंक्शन किए जाने के बाद। तो यहाँ पे घालमेल तो है ही। राजीव गांधी फाउंडेशन उस पैसे का क्या कर रहा है हमें नहीं पता। इस देश में एनजीओ क्या क्या करती है वो सबको पता है। कोई नक्सलियों को पैसा पहुँचाता है, कोई जो है कन्वर्जन के फंड में लगा हुआ है, कोई जो है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को शांत करने के लिए मीडिया का एम्पायर खड़ा कर लेता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो हमें ये पता नहीं है कि पीएमएनआरएफ से पैसा राउट होके राजीव गांधी फाउंडेशन के पास जो गया वो किस कार्य में गया। वो तो डिजास्टर रिलीफ के लिए बना है ना भाई, तो डिजास्टर रिलीफ में राजीव गांधी फाउंडेशन के पास कौन से डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए पैसा दिया गया था? क्या वो डिजास्टर कांग्रेस का डिप्लीटिंग फंड था तो उनके पास फंड की कमी हो रही थी? सही में नेशनल डिजास्टर तो है ही है कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी हो जाए, तो शायद उस डिजास्टर को तो फिर टेक्निकली तो फिर मनमोहन सिंह ने सही काम किया। अप्रैल 2020 में इसी साल में 6,000 करोड़ रुपया एक वीक के अंदर पीएम केयर्स फंड में जाता है, और सोनिया गांधी कहती है कि इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। पीएम केयर्स में एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है उसको सैंक्शन करने का, उसमें रक्षा मंत्री भी है, होम मिनिस्टर भी है, चार और लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग उसमें होते हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। और ये फंड शायद इसीलिए क्रिएट किया गया क्योंकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है बड़ा ही ओपैक है और वो बंद है, उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर है। सवाल जो लोग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि पीएम की एक केयर्स क्यों बनाया, वो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि पीएमएनआरएफ जो है वो बना रहे उसी मूल स्थिति में, कि कहीं बाद में हमारे पास तो आएगा ना कभी पावर 20 साल बाद 30 साल बाद, तो फिर उसी एब्सोल्यूट पावर के जरिए फिर से पैसे जो है राउट किए जाएंगे अपने पसंदीदा एनजीओज को। तो इसी कारण राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने पीएम केयर्स को अटैक किया था, जबकि पीएम केयर्स किसी भी दिन पीएमएनआरएफ से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और वहाँ पे एक आदमी का होल्ड नहीं है। और हाँ, इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार चल रही थी तब इन्होंने 11 PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसके नाम आप साथ में देख रहे होंगे, उन्हें और 7 मिनिस्ट्रीज से फंड जो है ट्रांसफ़र किया गया राजीव गांधी फाउंडेशन को। सवाल फिर वही आता है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक फाउंडेशन को करोड़ों रुपये
मिनिस्ट्रीज अलोकेट कर रही है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जो सरकार के आधिपत्य की बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सेल है, गेल है, LIC है, इन संस्थाओं से पैसा जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को रीराउट किया गया, उसको जो घुमा घुमा के पहुंचाया गया। तो यहाँ पे आप मनमोहन सिंह को देखेंगे कि कैसे ये एक्सप्लिसिटली एकदम से इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना इनके सिग्नेचर के या बिना इनकी सहमति के ये पैसे जो सरकार के नहीं जनता के पैसे हैं, वो पैसे किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन को पता नहीं किस क्लॉज के अंतर्गत। फिर याद आता है कि ये तो 1991 में बजट में अपने बजट में जो है 100 करोड़ दे रहे थे और 250 करोड़ साइड में रखा हुआ था देने के लिए एक्स्ट्रा, तो गांधी परिवार के प्रति मतलब किसी ने उनको जब प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया तो इस तरह से रीपे तो कर ही सकते हैं, या अपना दिमाग नहीं है तो सोनिया गांधी जैसे चला रही हैं तो वो चल रहे होंगे और वो पैसा जो है रीराउट होकर पहुँचता रहा। अब ये तो जनता के लिए, पाठकों के लिए और रीडर्स के लिए और देखने वालों के लिए ये डिसाइड करने की बात है कि ये पैसा एक सरकार द्वारा उसको जाना जो सरकार को कंट्रोल कर रही है उसी की अध्यक्षता वाली संस्था में जाता है और बार बार जाता है, एक लंबे समय तक जाता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कब कब किस किस साल कितने कितने बार इन संस्थाओं ने और इन मंत्रालयों ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए हैं। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि फॉरेन फंडिंग इनको फॉरेन संस्थानों से, मतलब फॉरेन फाउंडेशंस जो होते हैं, ट्रस्ट जो होते हैं, उनसे और गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए गए हैं या फिर उनके साथ टाइअप्स हैं। टाइअप्स क्यों करती है कोई सरकार किसी एक पार्टी से, या उस पार्टी की जो सर्वे सर्वा है उसके अंतर्गत जो संस्थान चल रहे हैं उससे आप क्यों टाई अप करेंगे, उसको फिनेंशियल गेंस आप क्यों पहुंचाएंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसमें चाइना ने जो 3 बार पैसे दिए हैं और चाइना के साथ जो जो इनके इनके साझेदारियां रही हैं और इन्होंने जिस तरह के समझौते किए हैं उस पर तो हमने चर्चा कर ली है। तो उसके अलावा आयरलैंड की सरकार ने, लग्जमबर्ग की सरकार ने, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो अभी हैं और जो राजीव गांधी फाउंडेशन की भी अध्यक्षा हैं उनको जो है पैसे दिए। और इससे पहले कि हम फॉरेन फंडिंग की बात करें, ये बात भी आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक है और एक है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। 2011-12 तक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है डेटाबेस में कहीं नहीं दिखता है, FCRA का जो डेटाबेस सरकारों का होता है उसमें क्या होता है, जो ही ये अपीयर करता है तो अचानक से फॉरेन फंडिंग जो है जो राजीव गांधी फाउंडेशन को हो रही थी वो ज़ीरो हो जाती है और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये नया नाम आता है, उसको 23 करोड़ चला जाता है, ज़ीरो उधर 23 करोड़। उसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है मेनली डोमेस्टिक डोनेशन जो है इस तरह के होने लगता है और बाकी टाइप्स में बिजी रहता है, वहीं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इंटरनेशनली जो है वो फंड पाता रहता है, उसके बारे में जानकारी उनके साइट पर पड़ी हुई है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है कई तरह के स्कैंडल से जुड़ा हुआ रहा है इनको, मतलब आप देखिए कुछ कुछ डूबियस संस्थाएं जिन पर हमेशा सवाल उठते रहे, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने जो है भारतीय लोगों पे कुछ वैसे ड्रग्स की और वैक्सीन्स की और इंजेक्शंस की या दवाइयों की टेस्टिंग की है जो US में अलाउड नहीं है, उसके लिए FDA से अप्रूवल लेना पड़ता है, यहाँ पे बिना अप्रूवल के भी इस तरह के एलिगेशंस इन पे आरोप लगे हैं, ठीक है। उसके बाद UK का एक है रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट, उसने उनका जो है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जो है टाई अप रहा है और शायद पैसा दिया है, ये भी बातें। उसके बाद एक आदमी आता है जिसने लगभग 12.5 लाख रुपया दिया है 2013 में, इस आदमी का नाम है श्रीधर पोटा राजू और ये आदमी थोड़ा डूबियस है। डूबियस इस हिसाब से है कि ये आदमी हिलेरी क्लिंटन और ओबामा के कैंपेन में रहा, ये डेमोक्रेट्स को US में काफ़ी पैसे देता रहा और उनके लिए फंड रेजर भी किया है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये आदमी 7 साल के लिए जेल भेजा गया था $49 मिलियन के फ्रॉड के लिए। तो इस व्यक्ति की जो मतलब स्थिति है वो संदिग्ध है, वो आखिर क्यों राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसे लगाता है वो एक मतलब सोचने की बात हो जाती है। उसके साथ ही क्लिंटन फाउंडेशन जो है
डायरेक्टली कोई टाइप पैसा देने का राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ नहीं करता है, लेकिन क्लिंटन फाउंडेशन का क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव है वो टेक्निकल पार्टनरशिप करती है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। और अब जो है, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, टेक्निकल ही तो है। क्लिंटन फाउंडेशन, और वो मेन रीज़न बना था कि हिलरी क्लिंटन जो है ट्रंप से हार जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल करप्शन का एकदम हॉटबेड था वो संस्था जो है, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन है पति पत्नी, उन्होंने बनाई है, और उन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट से डोनेशंस लिए हैं और लार्ज सम, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स ऑफ मनी लिए हैं। अब है कि आखिर क्लिंटन फाउंडेशन क्यों लेता है फंड, बाहरी सरकार, कोई सरकार क्लिंटन फाउंडेशन को क्यों फंड करेगी? वो इसलिए, उन्हें लग रहा था कि क्लिंटन अगर US प्रेसिडेंट बन जाती है तो पॉलिसीज जो है वो अपने, मतलब के क्विड प्रो को, हमारी खुजाओ हम तुम्हारी खुजाएंगे वो वाला जो है, वो करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट जो छोटे छोटे होते हैं, जिसपे आम तौर पे अमूमन जो है मतलब इग्नोर किया जाता है, या उनको लगता है कि पैसा दे के, ये ब्राइबिंग का एक तरीका है कि जो फ्यूचर में पावर होल्ड कर सकता है उसको तुम पैसे दो और उसके बदले में कुछ मत मांगो। तुमने उसके किसी ट्रस्ट को, किसी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया और तुम आराम से बैठे हुए हो कि जब उसकी सरकार आएगी तब हम जो है मिल्क करेंगे। तो वही है कि जब उस तरह की डूबियस डील्स में, जो करप्शन के डील्स में हिलरी क्लिंटन का और बिल क्लिंटन का क्लिंटन फाउंडेशन रहता है, तो उसके साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा जो उनकी अध्यक्षा है, उनके ट्रस्ट में, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनकी पार्टनरशिप आखिर क्यों होती है? शायद इसीलिए होती है जो बाकी फॉरेन गवर्नमेंट जो है क्लिंटन फाउंडेशन जैसे कर रही थे, तो वहाँ पे ये सोनिया गांधी का रोल जो एस्टैब्लिश होता है कि कैसे वो हिलरी क्लिंटन के साथ जो एक करप्ट फाउंडेशन की मतलब उससे जुड़ी हुई हैं, और इधर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ये अपने आप में ये अलग अलग स्रोतों से पैसे लेता रहा, और पैसे का क्या करता है, वो कहाँ से आता है, वो जो है वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। इसी तरह राजीव गांधी फाउंडेशन को फ्रेडरिक नॉमे स्टिप्टंग नाम की एक संस्था है जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, और लिबरल से आपको पता है जर्मनी की है संस्था, और ये काफ़ी मतलब हैवी डोनेशंस देने वाले डोनर्स की लिस्ट में है राजीव गांधी फाउंडेशन के, और ये जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज को, जो लिबरल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में इनका अच्छा खासा रोल रहा है। और लिबरल्स का आप मतलब समझ ही गए कि वहाँ भी लिबरांडू टाइप का ही काम करते हैं, तो ये आखिर कांग्रेसियों को क्यों पैसे दे रहे हों? और ऑब्वियस सी बात है, मैं कांग्रेसी बोलूँ, RGF बोलूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन या राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, सब एक ही है, क्योंकि सबका हेड सोनिया गांधी और बोर्ड मेंबर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी होते हैं। तो इतनी मतलब इतने मूर्ख तो हम हैं नहीं कि ये हमें समझ में नहीं आता है कि वो फंड कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, और अल्टीमेटली जो लोग पावर्स के रेंज जो है, लगाम जिनके हाथ में देशों की होगी, उसको ये लोग क्यों पैसा फीड करते रहे। इसी तरह फोर्ड फाउंडेशन से जो है ठीक ठाक पैसा मिलता रहा इन लोगों को, क्लिंटन फाउंडेशन के बारे में मैंने बताया। एक तीसरी संस्था आती है जो यूनिटेक है। यूनिटेक अगर आपको याद होगा तो यूनिटेक जो है 2G स्कैम में एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बनी थी। यूनिटेक ने 1628 करोड़ में 2G स्पेक्ट्रम जो है ख़रीदा था, और उसे टेलीनॉर को, नॉर्वे की कंपनी जो है उसको बेचा था। उसका 67% स्टेक जो है वो करीब 6120 करोड़ में बेचा था। मतलब टोटल वैल्यूएशन यूनिटेक की, जिसने 1628 करोड़ में ख़रीदा है स्पेक्ट्रम, वो 9000 करोड़ हो जाती है। तो इसी तरह यूनिटेक तो एक एंटिटी है, तो इसी तरह 2G घोटाला जो है वो एक्चुअल में सामने आया था। अभी यूनिटेक पे ही बात करेंगे। तो यूनिटेक का राहुल गांधी से बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। जो 2019 में ये एक एफिडेविट फाइल करते हैं, इलेक्शन एफिडेविट, उसमें बताते हैं कि यूनिटेक की दो प्रॉपर्टी यूनिटेक टावर्स 2 में गुड़गांव में जो है उन्होंने लिया था, यह ख़रीदा है उन्होंने। हालांकि ये उन्होंने ख़रीदा था 2010 में, अक्टूबर 2010 में, लेकिन 2014 के इलेक्शन एफिडेविट में ये नहीं दिखाते हैं, ये 2019 के इलेक्शन एफिडेविट में दिखाते हैं। खैर वो एक बिल्कुल ही अलग ही मुद्दा है, और इस पर हमारी इंग्लिश की जो एडिटर हैं नुपुर जय शर्मा, उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट की। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके ऑफ इंडिया पे यूनिटेक लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिटेक जो 2G स्कैम का वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड या आरोपित कह सकते हैं वो है, जिसने मतलब 1628
करोड़ में खरीदा और 9000 करोड़ का जो है वो पैसा बना रहा है। इस तरह के लोगों ने राहुल गांधी को, जिन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी बेची हैं और बेची हैं कि क्या हुआ है वो तो समझदार लोग समझ ही सकते हैं, वहाँ पे ये यूनिट एक राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनर्स की लिस्ट में दिखता है। एक करप्ट एंटिटी जिसने गवर्नमेंट के साथ, अब वही है कि क्विड प्रो क्यो, यहाँ पे भी वही है कि इतना ज़्यादा है ना कि राहुल गांधी को भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, सरकार से खरीद भी रहा है, बड़े चीप दाम में खरीद रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि 2G स्पेक्ट्रम कोई ऑक्शन नहीं हुआ था, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस था कि जो पहले आएगा हम उसको दे देंगे, और इसमें पता नहीं चलता कि कौन पहले आ रहा है, उसमें आप उसी को देते हैं जिसको आपको इच्छा हो। तो यहाँ पे भी मनमोहन सिंह का एंगल जो है आ जाता है, हिस्ट्री ऑब्वियसली उनके साथ जो है काफ़ी काइंड रहेगा। अब बात आती है कि विदेशी सरकारों के पैसे जो है, या फिर चाइना के साथ जो MOU होता है, या ये जो फाउंडेशंस हैं इनके साथ हैं, जो अर्बन नक्सल्स के सपोर्टर हैं, जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो फेल करते हैं कि भारत में राइट्स हो जाए, उनके अगेंस्ट एक एक प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, ये लोग आखिर क्यों पैसा देते हैं? और एक तो मैं मतलब लगभग भूल ही गया था कि प्राइवेट डोनर्स बिजनेसेस का एक एक लिस्ट है, वो भी आपकी स्क्रीन पे है, वो भी आप देख पाएंगे कि प्राइवेट डोनर्स जो है आखिर इतना पैसा क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को, करोड़ों में रुपया दे रहे हैं। उसमें आपको तमाम भारत की इंडस्ट्री जो है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, मतलब बिजनेसमैन भी और बिजनेस हाउसेस दोनों जो है इनको पैसे डोनेट कर रहे हैं। क्यों? क्या ये इतने दरिया दिल हो जाते हैं, या फिर ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है कि सरकार आएगी तो अभी हम जो है सरकार की मदद कर रहे हैं? और आप कहेंगे सरकार की तो मदद नहीं कर रहे, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली संस्था है, और सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एक और संस्था इस देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसके दो फ्यूचर हैं इंदिरा जैसी नाक वाली प्रियंका और पिता राजीव गांधी जैसे कर्ल्स वाले राहुल गांधी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर आदमी सोचने लगता है कि आखिर गवर्नमेंट्स क्यों पैसा देंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का फिर भी समझ में आता है कि यहाँ पे दे रहा है और उनके लिए पॉलिसी जो है बनेंगी तो शायद उसका ध्यान रखा जाए, तो गवर्नमेंट से क्यों डील होती है? विदेशी सरकारों से पैसे लेने के पीछे क्या हो सकता है मकसद? चाइना का तो हमें पता चल गया कि इन्होंने MOU जो है साइन किया है, तो क्या इन्होंने बाकी सरकारों से भी कोई कोई एक समझौता साइन किया हो एक पार्टी के लेवल पे? और जब ऑल पार्टी मीट होती है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं देश के, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले होते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मसले होते हैं, तब जो है ऑल पार्टी मीट में लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि ये हमारे देश की पार्टियां हैं, उन्हें बुलाया जाता है, क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, तो क्या ये ना समझा जाए कि ये लोग सीक्रेट्स भी पास कर रहे हों? नहीं तो और क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें आउट इन द पब्लिक क्यों नहीं है? ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कोई सरकार जो है एक एक संस्था को डोनेट कर रही है, पैसे दे रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आप सोचिए इस पर कि क्यों पिछले काफ़ी समय से, जब से मोदी की सरकार आई है, और फिर मतलब सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुंबई में इतना बड़ा टेरर अटैक हो जाता है, हमारा एयरफोर्स जो है स्टैंड बाय पे है एयर स्ट्राइक करने के लिए, और उसको मनमोहन सिंह की सरकार जो है मना कर देती है कि हमें नहीं करना। फिर याद आता है कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, उरी वाला जो होता है सर्जिकल स्ट्राइक होता है उरी हमले के बाद, इन सब में ये लोग सबूत क्यों मांग रहे थे? ये लोग हमेशा पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं? गलवान में जो हुआ और जो डोकलाम में हो रहा था, इन हर जगह पे ये लोग क्यों चीनियों की भाषा बोलते हैं? तब समझ में आता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की है इनकी। यही सब पैसा जो है, मनी इज द प्राइम मूवर, तो पैसा जो है किस तरह से प्रभावित करता है चीज़ों को वो देखने लायक, वही एक कारण हो सकता है, नहीं तो और कोई दूसरा कारण नहीं दिखता। पैसे के लिए लोगों ने आत्माएं बेच रखी हैं, और राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, मतलब याद आता है ना कि राजीव गांधी के वो
स्वर्णिम मतलब स्वर्णाक्षरों में जो अंकित बोले हैं कि 100 पैसे में से 85 पैसे जो है वो गायब हो जाते, तो वो 85 पैसे क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में जा रहे थे? PMNRF जो है लगातार ट्रांसफर कर रहा था, तो वो पैसा कहाँ जा रहा था? उस पैसे का कोई मोल है? कितना पैसा गया? तो ये सारी बातें जब आप पकड़ने बैठते हैं तो आपको आपको पूरा पिक्चर समझ में आता है कि आखिर कांग्रेस एंटी मोदी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, एंटी भाजपा होते होते आखिर ये एंटी इंडिया कैसे हो गई? ये एंटी नेशनल कैसे बन जाती है एक संस्था? ये लोग तुरंत अपने देशभक्ति की, अरे कांग्रेस ने आज़ादी दिलवाई। इस कांग्रेस ने आज़ादी नहीं दिलवाई। कांग्रेस कितनी बार एओ ह्यूम के बनने के बाद, उसने जो बनाया था उसके बाद कितनी बार टूटा है, बिखरा है कांग्रेस आई और कांग्रेस एम और एल और पता नहीं क्या क्या बना है, उन सबको तो याद करो। और क्या मतलब राहुल गांधी या सोनिया गांधी तो ऐसे उछल के बोलते हैं, और इनके जितने स्पीकर्स हैं प्रवक्ता आते हैं वो तो ऐसे उछल उछल के बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की बात, जैसे भगत सिंह के साथ यही गए थे मतलब, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अल्फ्रेड पार्क में ये लोग भी थे। तुमने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, नेहरू ने देश को कोई पर्सनल वेल्थ जो है डोनेट नहीं किया। स्वतंत्रता संग्राम, नेहरू और पता नहीं क्या क्या करके क्या साबित करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, अंत में वही समझ में यही आता है कि ये लोग शुरू से ही देश को मतलब धीरे धीरे जो है भीतर से मिट्टी पानी जा के मिट्टी घाल रहे हैं, ये लोग काटते जा रहे, ये एक समय ये लोग मतलब इनका वश चलता तो ये लोग देश को बेच चुके होते हैं जिस तरह की इनकी डीलिंग्स हैं। और ये आपके लिए समझने और बोलने के लिए है कि आप डिसाइड करें कि मैंने जो आपके सामने डेटा रखे हैं और आपने TV पे इतने दिनों में देखा होगा, 2 दिनों से जो चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आगे और भी आएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।